दोस्तों जय भीम जय भारत। ये जो वीडियो बन रहा है ये बलिया डिस्ट्रिक्ट के नदौली उर्फ यरई शंकरपुर उर्फ बिशनपुरा चिलकौर ब्लॉक में पड़ता है, चोगरा चट्टी के पास में। हम लोग रविदास जयंती पे कुछ हम लोग कोटेशन लिखे थे बाबा गुरु रविदास जी के उपलक्ष में, जयंती के उपलक्ष में लिखे थे कि अगर भगवान से ही न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता, अगर भाग्य से ही अगर ऊपर से भाग्य लिख के आता तो कार्यालय नहीं होता। हम लोग ऐसे दो तीन कोटेशन लिखे थे, लेकिन इसको कुछ मनुवादी सोच के तुच्छ कुत्तों ने यहाँ पे पेंट वंट पोत दिया है और ये साबित कर दिया है कि आप अपने महापुरुषों की जयंती और पूजा नहीं मना सकते। तो कुछ वर्णवादी सोच के लोग हैं जो कुछ चंद चूतिए सुअर की औलादे हैं जो ऐसे किए हैं काम। और हम लोग पोस्टर लगाए थे पीछे, जो हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, इतना ऊपर पोस्टर लगाए थे कि वो पोस्टर किसी को आसानी से मिलता नहीं, लेकिन उस पोस्टर को इन लोगों ने सीढ़ी के द्वारा बांस की सीढ़ी लगा करके और फाड़ा गया है। वो पोस्टर उतना ऊपर लगाया गया है जो हाथ दिखा रहे हैं बच्चे, जो मेरा हाथ नहीं जा रहा है। बस मेरा हाथ यहाँ तक आएगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मेरे जैसा कोई लड़का जो समझदार होगा, बीए बीएससी एमकॉम बीटेक जो भी कर रहा हो, वो यहाँ तक हाथ ला करके फाड़ने का काम किया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है उसे दबाया जाए। जो भी मनुवादी सोच के लोग हों उनको बता दिया जाए कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम भीम के वंशज हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान के फर्स्ट पेज पर ही लिखा था, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट में, कि सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, सबको एक समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक धर्म निरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के रूप में टारगेट किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक मूवमेंट बनाया जाए। हम लोग 4 तारीख को इस मैटर को लेकर के एक जगह धरना देने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माननीय डॉक्टर इंदु चौधरी जो आ रही हैं यहाँ पूर्व पकड़ी में क्रमवर में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आए, वहाँ पर इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। जय भीम जय भारत।